जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमेशा एक सही जानकारी मिले, ताकि आप धोखाधड़ी से बच पाएँ, आपको वो जानकारी मिल पाए जिन जानकारियों को जानकर अभी की आधुनिकता में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी कड़ी में हम बात करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। आज हम बात करेंगे, अगर आप बेरोज़गार हैं तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी, क्योंकि अभी इन हालातों में बहुत ज़्यादा आपके लिए एक तो बेरोज़गारी और ख़राब हालात हो सकते हैं। आज ऐसे बहुत सारे गिरोह काम कर रहे हैं कि जो बेरोज़गार युवाओं को, युवतियों को अपने जालसाजी में फंसाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और वो व्यक्ति जो एक रोज़गार चाहता है, जो ईमानदारी से कमाना चाहता है, उसे जब बड़े सपने दिखाया जाते हैं, क्योंकि दिमाग खाली होता है, आदमी को कुछ ना कुछ काम करने की एक भूख होती है, परिवार वाले, अड़ोसी पड़ोसी, और एक दबाव होता है, इतना पढ़ा लिखा मैं और एक अच्छा रोज़गार नहीं मिल पाना और हमारा नहीं ढूंढ पाना, कई सारी परेशानी है। ऐसे गिरोह बहुत सारे जो काम कर रहे हैं कि जो आपको बुलाएंगे किसी जगह पर इंटरव्यू के लिए, और आपसे आपके डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे, और आपसे कहा जाएगा कि आप पैसे दीजिए, तब आपके डॉक्यूमेंट आपको वापस मिलेंगे। पहले तो गरीबी, ऊपर से बेरोजगारी, और ऊपर से हम इन चीज़ों को कैसे डिनाई करेंगे, इन चीज़ों को कैसे डील करेंगे। अंत में पैसे देना ही पड़ता है, क्योंकि हम ना कोई वो चाहते हैं, क्योंकि आमतौर हमारी टेंडेंसी यही होती है। मैं इस पक्षधर में, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप ज़रूर शिकायत करें उसकी, और उसके खिलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठाएं, पर ज़्यादातर लोग ये नहीं कर पाते और बहुत कम लोग होते हैं और उन्हें भी दबा दिया जाता है। तो इसलिए आप कहीं भी रोज इंटरव्यू देने जाए तो उस कंपनी के बारे में सभी जानकारी आप जुटा के रखें कि वो कैसी है, क्या नहीं है, उसका क्या रिकॉर्ड है, वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। इन चीज़ों की जानकारी के बाद ही आप वहाँ इंटरव्यू देने जाएं, एक बात ये याद रखें, क्योंकि आज बहुत से युवाओं के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं और वो अपना अनुभव शेयर करते हैं, बहुत से वीडियोस भी हैं इसके लिए, आप जान सकते हैं। दूसरा मेजर मेजर कारण है कि बहुत से लोग आपको एक चेन सिस्टम में इंक्लूड करेंगे कि आप आओ, हमारे यहाँ बिजनेस होता है, हमारे यहाँ ये होता है, वो होता है, तमाम बातें वो बतलाएंगे, और वो बतलाने के बाद आपको अघोषित रूप से ठगा जाएगा, पैसे आपसे लिए जाएंगे, और आपको भी उनकी चेन जो सिस्टम है उसमें वो आपको भी कैप्चर कर आप भी वहाँ जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत मेजर बातें हैं, जो बिल्कुल इनका कुछ हो भी नहीं सकता है। देखिए, एक बात है, क्योंकि टेक्निकली रूप से आप बेरोजगार हैं, आपको काम की आवश्यकता है, आप वहाँ तक जाएंगे, काम करना हमारी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि पेट सबको पालना है। तो ये अगर आप बेरोज़गार हैं या रोज़गार भी है जैसे भी हालात में, तो इन चीज़ों से आपको सावधानी बरतना है। इन चीज़ों पर खासकर महिलाओं को और खासकर युवा लड़कों को ज़रूर इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। और अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चे, अगर बच्चे की उम्र कुछ भी हो, चाहे 30 बरस हो, 35 बरस हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उस पर इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें कि ये कहाँ इंटरव्यू दे रहा है, किस जगह दे रहा है, वो सही है या नहीं है, इसकी सत्यता होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी खबरें अभी इन विषयों पर, बहुत सी खबरें आती हैं और इनसे बहुत बहुत युवा परेशान हैं। तो मैं चाहता हूँ, सिर्फ मेरी यही है, मेरा किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना किसी से कुछ लेना देना है, सिर्फ मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ, कहीं भी इंटरव्यू देने में या कोई भी कंपनी से या कोई भी स्कीम से जुड़ने से पहले आप एक बार सोच लें कि क्या ये सही है, क्योंकि ऐसे रोज़गार से तो बेरोज़गार रहना बहुत अच्छा है, मैं आपको यही हिदायत दूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जानकारी ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।